एपिसोड नंबर 255 रावण के साथ श्रीराम की कुटी के समीप पहुंचकर मारीच स्वर्ण मृग का रूप धारण कर लेता है। उस अत्यंत विचित्र और सुंदर हिरण को देख सीता जी के मन में उसकी खाल प्राप्त करने की इच्छा बलवती हो उठती है। उनके आग्रह करने पर श्रीराम उनकी रखवाली का दायित्व लक्ष्मण को सौंपकर स्वर्ण मृग के आखेट को निकल पड़ते हैं। जिन प्रभु की महिमा का बखान करने में वेद भी असमर्थ हैं, वही एक कपट मृग के पीछे भाग रहे हैं। भागता छिपता मृग रूपी मारीच उन्हें बहुत दूर ले जाता है। अंत में श्रीराम तीक्ष्ण वाण से मारीच की जीवन लीला समाप्त कर देते हैं। मन ही मन श्रीराम का स्मरण करते हुए मारीच घोर गर्जन के साथ लक्ष्मण को पुकारता है। विपत्ति सूचक पुकार सुनकर सीता जी के मन में आशंका उत्पन्न होती है। वह लक्ष्मण की अनुनय विनय की अवहेलना करके उन्हें बड़े भाई की सुधि लेने के लिए जाने को बाध्य कर देती है। कपट मृग भयऊ अति विचित्र कछु बरनी न जाई कनक देह मणि रचित बनाई मृग बिलो की कटी परिकर बांधा करतल चाप रुचिर सर सांधा प्रभु लक्ष्मण ही कहा समुझाई तिरत विपिन निसिचर बहु भाई सीता केरी करे हु रखवारी बुद्धि विवेक बल समय विचारी प्रभु ही बिलो की चला मृग भाजी धाए राम सरासन साजी।
निगम ने तिशिव ध्यान न पावा माया मृग पाछे सो धावा कबहु निकट पुनि दूरी पराई कबहु कप्रगटई कबहु छपाई प्रगटत दुरत करत छल भूरी एहि विधि प्रभु ही गया उले दूरी तब तक राम कठिन सर मारा धरनी परे उकरी घोर पुकारा लक्ष्मण कर प्रथम ही लय नामा गति दीन ही सुजाना विपुल सुमन सुर बल सही गावही प्रभु गुण गाथ निज पद दीन सुर कहूं दीन बंधु रघुनाथ खल बधि तुरत फिरे रघुबीरा सोह चाप कर कटी तू नीरा आरत गिरा सुनी जब सीता कहल छी मन सन परम सभीता जाहु बेगी संकट अति भाता लक्ष्मण बिहसी कहा सुमाता भुकुटी विलास सृष्टि लय होई सपने हूँ संग बीच दस कंधर देखा आवा निकट जती के भेखा जाके डर सुर असुर डेराही निसिन नीत दिन अन्न न खाही सो दस सीस स्वान की नाई चितई चला भड़िहाई इमित पंथ पग देत खगेसा रहन तेज तन बुद्धि बल लेसा नाना विधि करी कथा सुहाई राजनीति भय प्रीति देखाई